20 बने अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह, इसको तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत जो कितना अच्छा ये गला है, आपको तोड़ के बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये चिकन के पीस, चिकन के पीस को आपको मैं तोड़ के बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गर्म है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें सॉफ्टनेस, देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है और इतना सॉफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय व्यूज़, जी व्यूज, आज हम बनाने लगेंगे फ्राइड चिकन KFC स्टाइल में। और आपने बहुत से वीडियोस या बहुत से रेसिपीज देखी होंगी इस स्टाइल में KFC बनते हुए। अब हम आसान तरीके से और आसान रेसिपी के साथ जो है ना आपको KFC स्टाइल में चिकन बना के दिखाएंगे और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी रेसिपी को जो है ना आप देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने ना ये चिकन लेके आया था, चिकन जो है ना सबके सब मैं लेग पीस लेके आया, 1.5 किलो ये चिकन है अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब। आपने चिकन जो है ना देखना भारी पीस लेनी है, मैंने भी देखे ये भारी पीस लिए हुए हैं, फ्राइड चिकन बनाया तो आपने चिकन हैवी लेना है जरा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको ना एक बाउल में वो इसमें डाल लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम ना 3 से 4 चम्मच जो है ना पानी ऐड करेंगे। अब ना हम इसके हम ना टेंडराइजर जो मसाला है वो ऐड करेंगे। ये बेसिकली चिकन गलाने के लिए कि चिकन अंदर से भी अच्छे तरीके से गल जाए, ये टेंडराइजर, ये इसको टेंडराइजर है और इसको कचड़ी पाउडर भी कहते हैं। अगर आपको इन केस बाइस आराम से मिला है तो कचड़ी पाउडर भी कह के मिल सकते हैं, किसी भी अच्छी शॉप से, बड़ी शॉप से आपको आराम से ये मिल जाएगा। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हर तरफ से ना मसाला जो है ना अंदर तक रच जाए इससे। चलिए हमने मसाले लगा लिए इसको, ये टेंडराइजर जो मसाला था पाउडर इसको लगा लिया। इसको हमने 40 से 45 मिनट ऐसे छोड़ देना, ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएगा, नरम गल भी जाएगा। इसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे और से इसको ना हम कवर कर देंगे हम इसको। अल्हम्दुलिल्लाह जी 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको उठाते हैं आपको दिखाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी 40 से 45 मिनट हो गए हैं और देखें अच्छे तरीके से ना नरम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको अच्छे तरीके से हमने इसको वॉश कर लेंगे जी। चिकन को हमने अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए चिकन वो है तो चिकन सॉफ्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा चिकन जो है अच्छा तरीके से वॉश हो गया और नरम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन में हम ना सबसे पहले ना एक ना चम्मच जो है ना वो पेपरिका पाउडर का डालेंगे। पेपरिका पाउडर ये आपको आसानी से बाजार से जो नहीं मिल जाएगा अवेलेबल होगा। उसके बाद हम हाफ टी स्पून जो है ना लाल मिर्च वो ऐड करेंगे। हम ना एक चम्मच जो है लहसुन का पाउडर वो ऐड करेंगे। मसाले हम डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक अल्हम्दुलिल्लाह जी हम इसमें से नमक ये निकालेंगे, नमक ऐड करेंगे और ये मम्मी जान ले लेंगे हिसार से मसालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब इसमें जो नमक है ना वो हम 1 टेबलस्पून जो नमक ऐड करेंगे। नमक के बाद हम ना इसमें डालेंगे सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस हम हमारा चिकन ज़्यादा इसलिए हम ना 2 चम्मच जो सोया सॉस के ना 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड करेंगे। चिली सॉस वो थोड़ी सी ऐड करेंगे, ये भी 1 टेबलस्पून के ऊपर ये वो हमने डाला है। हम ना चिकन 1 चम्मच चिकन पाउडर का डालेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब ना अच्छे तरीके से ना हाथ की मदद से भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा मसाले सारे लग गए, इसको मैरिनेट के लिए भी रखा है। तब तक हमने एक बोल पे लिया, उसमें हमने मैदा डाला, 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चिकन फ्लेवर डालेंगे, हम 1 टीस्पून जो है ना हम गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। तरीके से ना
मिक्स कर लेंगे। ये भी हमारा रेडी हो गया। अब हमने एक बॉल ली है, इस बॉल में हम एक अंडा डालेंगे। इसमें हम ना हाफ कप जो है ना वो दूध ऐड करेंगे। इस तरीके से ना हम मिक्स कर लेंगे। और हमने बड़ा ले लिया, वो बहुत छोटा था और मैंने बड़ा बोल ले लिया। अब जो अलहमदुल्ला चीज़ रेडी है। पहले चिकन को हम लेंगे, इसको हम ना ये मैदे में ना मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से इसको लगा लेंगे। इसको अपने अच्छे तरीके से लगा रहा है, हर तरफ से ना मसाले इसको सही तरीके से लगाएंगे। करने के बाद हम इसको अंडे और दूध में ना इसको डालेंगे। करने के बाद हम इसको करने के बाद फिर जो है ना फिर इसको लगाएंगे, मैदा फिर लगाएंगे दोबारा से। ये देखे अलहमदुल्ला, देखे वो शेप आज अलहमदुल्ला चिकन की आ गई अलहमदुल्ला। ये देखे अलहमदुल्ला, फिर रखने के बाद आसान है, इधर हम रखते जाएंगे। इसी तरह हम जो है ना फिर एक एक करके करते जाएंगे और उसका लगाते जाएंगे। इसको पहले हम इसमें डालेंगे मैदे में, अच्छी तरीके से मैदा लगाएंगे, लगा लिया। फिर हम जो अंडे और दूध है ना उसमें डिप करेंगे। अंडे और दूध में अच्छे तरीके से डिप करने के बाद आप फिर आपने दोबारा से मैदा इसमें मैदे में रखना, मैदा अच्छे तरीके से इसको लगाना है। तो दूसरी दफ़ा जो मैदा है ना वो आपने अच्छे तरीके से ना जो सही तरीके से फाड़ के लगाना है इसको मैदा, ताकि अंदर तक इसको ना मैदा लग जाए। दूसरी दफ़ा ज़ोर से मैदा लगाने का मकसद ये होता है कि इसमें क्रम्स आ जाए। जो ये चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, ये क्रम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको इससे मिलेंगे, जोर से लगाने से ज़रा मिलेंगे। ये देखें, ये देखें, ये क्रम्स आ गए ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितने खूबसूरत क्रम्स आए हैं। इसी तरह हम सारे पीसेस को ना लगा लेंगे। अलहमदुल्ला जी माशाल्लाह जी, सारे चिकन के जो पीस हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं अलहमदुल्ला जी। कितने माशाल्लाह देखिए क्रिस्पी अलहमदुल्ला जी पीस अलहमदुल्ला रेडी हो चुके हैं अलहमदुल्ला। अब इसको हम जो है ना फ्राई करेंगे अलहमदुल्ला। जो मैंने ऑयल पहले से ही चूल्हे पे चला कर रखा था, ऑयल जो हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट 220 जो है ना हमने डिग्री में हमने गर्म करके रखा हुआ। अब इसको हम जो है ना फ्राई करेंगे, एक एक करके ना पीस जो है ना वो ऐड करते जाएंगे अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला माशाल्लाह जी अलहमदुल्ला। अलहमदुल्ला फ्राई होना शुरू हो चुका है अलहमदुल्ला, और अच्छे तरीके से जो फ्राई हो रहा है अलहमदुल्ला। अलहमदुल्ला जी देखें कलर आना शुरू हो गया अलहमदुल्ला, क्रम से देखें किसने ऊपर बने हैं अलहमदुल्ला। अब वो थोड़ा सा हिला के दिखाते हैं, ये देखें अलहमदुल्ला। तो थोड़ा सा उल्टा भी लेंगे ताकि नीचे वाले जो साइड है वो भी अच्छे तरीके से जो ऊपर वाली साइड वो बन जाए। कितने खूबसूरत जो है क्रम्स आने शुरू हो गए अलहमदुल्ला जी। चिकन हमारे हो गए अलहमदुल्ला, और ये देखो आपको निकाल के जो दिखाते हैं बिस्मिल्लाह अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। देखो चिकन कितना खूबसूरत कलर आया अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। चिकन निकाल लें, चिकन निकाल के उसके साइड पर ना रखे जाएंगे अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। इसी तरह हम सारे पीस जो
वो निकाल लेंगे। ये कितना खूबसूरत कलर आया अलहमदिल्ला। इसी तरह हम सारे पीस निकाल के जो है ना इधर रखते जाएंगे अलहमदिल्ला। पुरागा नहीं वो ऐड करेंगे, वो भी दूसरा डालेंगे। चला जी हमारे ये भी पीस रेडी हो गए हैं अलहमदिल्ला। इसको भी हम ना निकालेंगे अलहमदिल्ला। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी अलहमदिल्ला। कितने खूबसूरत कलर आए हैं अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला। कितने ऊपर कलर आ गए कितने खूबसूरत कलर आए हैं अलहमदिल्ला। वो हम ऐड करेंगे तीसरा, वो तकरीबन लास्ट वाला। अलहमदिल्ला जी हमारा ये लास्ट जो भी था ये भी पूरा हो गया अलहमदिल्ला। देखिए जी अलहमदिल्ला कैसा कलर आया अलहमदिल्ला जी आया अलहमदिल्ला। ऐसे हम सारे उतार के रख लेंगे अलहमदिल्ला। अलहमदिल्ला जी चिकन वाला अलहमदिल्ला चिकन फ्राइड जो है रेडी हो चुके हैं अलहमदिल्ला। देखिए जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने क्रिस्पी जो है ना अलहमदिल्ला हैं। तो अलहमदिल्ला जी अलहमदिल्ला माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखिए जी कितने खूबसूरत जी क्रंची जो है ना बैक पीस बने अलहमदिल्ला। ये देखिए अलहमदिल्ला इसको तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत जो कितना अच्छा ये गला है, आपको तोड़ के बताता हूँ। ये देखें ये देखें ये चिकन के पीस का आपको मैं तोड़ के देता हूँ अलहमदिल्ला। गर्म है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें सॉफ्टनेस देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है वो इतना सॉफ्ट है अलहमदिल्ला। बहुत ज़्यादा जी चिकन बने हैं और जी अलहमदिल्ला। अगर मेरी रेसिपी आपको ये अच्छी लगे तो मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो को आप रेसिपी के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से बने हैं अलहमदिल्ला। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फैमिली मेंबर के साथ भी। तो आज व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी दुआ में आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। इमरान को इजाज़त। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।